नमस्कार दोस्तों, देश के बजट की हम बात कर रहे हैं और साथ ही इसे अब मिला रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के साथ। रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से काफ़ी उम्मीदें थी और ऐलान तो होते हुए दिखे, लेकिन ख़ास तौर से अफोर्डेबल हाउसिंग को बजट जो है छूकर निकला, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ख़ास तौर से अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े हुए ऐलान यहाँ पर होते हुए हमने देखे हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि सरकार का ये कहना है कि हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग को सरकार अहमियत देती है, प्रायोरिटी सेक्टर के तौर पर मानती है, ज़्यादा तवज्जो देती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रदान करता है और इसी के चलते इसे प्रावधान देना बिल्कुल लाजमी है। अब अगर इनके ऐलानों की बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग की खरीद पर 1.5 लाख तक ब्याज पर टैक्स छूट जो कि मिल रही थी, इसे 1 साल तक और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर या रियल एस्टेट को लेकर जो सबसे बड़ा ऐलान होता हुआ दिखा वो यही है और छूट अब जो है 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा, बायर्स को कुछ हद तक एक बूस्ट मिलेगा अफोर्डेबल घर खरीदने के लिए, और अफोर्डेबल हाउसिंग जो कि तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है और सरकार की भी यही रणनीति है, कह सकते लक्ष्य है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल को बढ़ावा दिया जाए, इस कदम से यहाँ पर मदद ज़रूर मिलती हुई दिखेगी। अब अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट 1 और साल तक टैक्स हॉलिडे जो है उसे एंजॉय कर पाएंगे, यानी कि इसकी मियाद जो है 31 मार्च 2022 तक की हो जाएगी। माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि मजदूर वर्ग जो है, इन्हें काफ़ी हद तक सहारा देने की सरकार की कोशिशें हैं और मजदूर वर्ग में अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है और इसी के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर टैक्स एग्जेम्पशन को प्रपोज किया गया है। इससे जुड़े जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी नियम कानून हैं, वक्त वक्त पर जैसे जैसे बनते हुए दिखेंगे हमारे सामने रखे जाएंगे, लेकिन तैसी बात है कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर टैक्स एग्जेम्पशन को सरकार ने प्रपोज ज़रूर किया है। साथ ही रीट्स और इन्विट्स की अगर बात करें, इनके डिविडेंड पेमेंट को टीडीएस से छूट मिलती हुई दिखेगी। इसका सीधा असर या सीधे मायने इसके ये हैं कि रीट्स और इन्विट्स की जो वैल्यूएशन है वो आने वाले दिनों में बढ़ती हुई हम देख पाएंगे, इसे कुछ हद तक सहारा ज़रूर मिलेगा। अब अगर आपको उम्मीदों की बात कहें, रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें कई सारी थी इस बजट से, जैसे कि फ्यूचर रेडी अप्रोच होना चाहिए, कुछ हद तक जॉब क्रिएशन पर फोकस होना चाहिए। जॉब क्रिएशन पर फोकस तभी होगा जब कई सारे ऐलान होते हुए दिखेंगे, और कई सारे ऐलानों की जैसे मैं बात करूं तो एसेट मोनेटाइजेशन का रिसीवेबल्स जो हैं उसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसकी अगर क्लैरिटी यहाँ पर मिलती हुई दिखती तो काफ़ी हद तक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, या फिर ये कह सकते हैं लिक्विडिटी की समस्या जो है, या फिर पैसा जो है कहाँ जाएगा, किस तरह से वापस आएगा, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी एक क्लैरिटी ज़रूर मिलती तो असेट मोनेटाइजेशन के रिसीवेबल्स का पर कुछ क्लैरिटी ज़रूर आनी चाहिए थी। इसके अलावा सबवेंशन स्कीम पर कुछ आने की उम्मीद थी जो कि आता हुआ नहीं दिखा, और साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन की भी उम्मीद थी, खासतौर से डेवलपर्स की अलग अलग उम्मीदें थी और बायर्स, होम बायर्स की भी अलग अलग उम्मीदें थी। लेकिन अगर ओवरऑल बजट को रियल एस्टेट सेक्टर के साथ समझने की कोशिश करें, अफोर्डेबल हाउसिंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया।